वेलकम टू mahindraguru.com द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से महिंद्राज वीकली करंट अफेयर शो में। ये हमारा सेकंड एपिसोड है, इससे पहले हम एक एपिसोड कर चुके हैं। आज हम इस वीक की मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज को कवर करेंगे विदाउट वेस्टिंग द टाइम। स्टार्ट करेंगे पहली न्यूज के साथ, और पहली न्यूज है आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार। देखते हैं फर्स्ट न्यूज क्या है हमारी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना को लॉन्च किया जा चुका है। अभी एग्जाम में बहुत सारे बैंक ऑफ बड़ौदा में भी ये क्वेश्चंस आए थे एब्रीवेशन रिलेटेड। उन्होंने शॉर्ट में एब्रीवेशन दे रखी होती है, उनकी फुल फॉर्म पूछते हैं और योजनाओं से रिलेटेड फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। तो उसमें एक बार एड ऑन कर लीजिएगा कि PMVVY स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। देखते हैं इस न्यूज से रिलेटेड हमारा सारा ओवरऑल क्या रहेगा। द यूनियन फाइनेंस मिनिस्ट्री हैज लॉन्च प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना, अ पेंशन स्कीम एक्सक्लूसिवली फॉर सीनियर सिटीजन एज 60 एंड डी। अब वह व्यक्ति जिनकी उम्र 60 या उससे अधिक वर्ष की है, यह योजना पर्टिकुलर उन लोगों के लिए है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद क्या रखना है, PMVVY की फुल फॉर्म। सेकंड थिंग, ये उन व्यक्तियों के लिए जिनकी एज 60 ईयर से अबव है और 60 ईयर्स कंप्लीट है। यहां से रिलेटेड फैक्ट्स को देखें तो PMVVY स्टैंड फॉर प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना। सेकंड पॉइंट, लॉन्च बाय द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली। ये अरुण जेटली जो फाइनेंस मिनिस्टर वित्त मंत्री हैं, उनके द्वारा इसका लॉन्च किया गया था। और यहां पर जो मिनिमम एंट्री एज है वो है 60 इयर्स और मैक्सिमम की यहां पर कोई लिमिट नहीं। और इसका जो पॉलिसी का टेनर है, दैट इज टर्म है, वो है 10 इयर्स का। आई होप ये न्यूज क्लियर हो चुकी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है PMVVY की फुल फॉर्म, और ये उन व्यक्तियों के लिए जिनकी एज 60 या उससे अधिक वर्ष की है। देखते हैं सेकंड न्यूज हमारी क्या है। सेकंड न्यूज इज रिलेटेड टू स्मॉल फाइनेंस बैंक, अहमदाबाद बेस्ड फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम याद रखना, फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज स्टार्टेड ऑपरेशन एज अ स्मॉल फाइनेंस बैंक। माय डियर फ्रेंड्स, हम पहले ही यहां पर स्मॉल फाइनेंस बैंक को बैंकिंग इन इंडिया पार्ट 3 में कवर कर चुके हैं। जिन लोगों ने ये क्लास मिस कर दी है वो वहां जाकर भी देख सकते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का मतलब क्या होता है। स्पेशली मैं अभी आपको थोड़ा सा नटशेल में बताना चाहूं तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, वित्तीय समावेशन के लिए एक नई तरीके का बैंक का कॉन्सेप्ट लेके आए, दैट इज स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो आपके डिपॉजिट एक्सेप्ट करता है और लोन भी प्रोवाइड करता है। लेकिन आप इसके रिलेटेड अगर डिटेल में देखना है तो आप वीडियोस को भी देख सकते हैं। पर्टिकुलर न्यूज को हम देखें तो याद रखिएगा, जो फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक है उसने अपनी ऑपरेशन स्टार्ट कर दी। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं कि स्मॉल फाइनेंस बैंक ओपन करने के लिए मिनिमम कितनी कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इज 100 करोड़। और इससे रिलेटेड जो कमिटी थी, जिस कमिटी की रिकमेंडेशन पे ये बना, दैट इज उषा थोराट कमिटी। माय डियर फ्रेंड्स, इन फर्स्ट वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट द प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। तो याद रखिए PSL की भी हम एक वीडियो कवर कर चुके हैं। PSL बेसिकली मतलब होता है कि जो भी बैंक्स लोन प्रोवाइड करेंगे उसका सर्टेन पोर्शन कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स को देना पड़ेगा। RBI ने सेट किया है कमर्शियल बैंक्स के लिए 40%, बट स्मॉल फाइनेंस बैंक को कितना लैंड करना पड़ेगा, दैट इज 75%। या लिखा हुआ है PSL टारगेट फॉर स्मॉल फाइनेंस बैंक इज 75%। आई होप यहां पर नटशेल में स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में क्लियर हो गया होगा। आपके लिए दो वीडियोस हैं, एक प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो कवर कर चुके हैं हम पहले ही, और सेकंड थिंग हमारे स्मॉल फाइनेंस बैंक, आप दोनों ही जाके देख सकते हैं। जीए गुरु में प्लेलिस्ट में आपको दोनों ही मिल जाएंगी। तो यहां से न्यूज से रिलेटेड फैक्ट आई होप क्लियर हो गए। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज, अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज अपॉइंटेड फाइनेंशियर एंथनी स्कैरामूची एज हिज एडमिनिस्ट्रेशन्स न्यू कम्युनिकेशन डायरेक्टर। बेसिकली आपको याद क्या रखना है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किससे अपना कम्युनिकेशन डायरेक्टर बनाया है, तो आंसर इज एंथनी स्कैरामूची। द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इस नेम को याद रखिएगा, अपॉइंटमेंट से रिलेटेड न्यूज है तो ये इंपॉर्टेंट बन ही जाती है। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखें तो फैक्ट्स, प्रेसिडेंट कौन है हमारे USA के, डोनाल्ड ट्रंप, और बात करें वाइस प्रेसिडेंट USA के माइक पेंस, अटॉर्नी जनरल इज जेफ सेशंस, और बात करें कैपिटल और करेंसी की, जब भी कोई कंट्री आ जाती है तो उसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट बनती है और करेंसी भी। तो कैपिटल हुई Washington DC एंड दी करेंसी हुई डॉलर। आई होप ये सारे फैक्ट्स आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एक्सपोर्ट इंपोर्ट। बैंक ऑफ इंडिया हैज एक्सटेंडेड $17.5 million लाइन ऑफ क्रेडिट टू दी गोआना। बेसिकली आपको याद क्या रखना है, जो एक्सिम बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडिया बैंक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया है, उसने गोआना को कितने का ऋण प्रदान किया है, दैट इज 17.5
मिलियन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनती है न्यूज। आपको देखिए क्या होता है कि न्यूज हम पढ़ते हैं फिर भी ये नहीं पता चलता यार याद कैसे करना है। सिर्फ आपको वो फैक्ट उठाने हैं जो कि एक तरीके से की पॉइंट होते हैं, कीवर्ड होते हैं। लोन दिया है एक्सिम बैंक ने, लोन दिया है गुआना को, और कितना दिया है 17.5 मिलियन। इतना ही सफिशियंट है। अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। बात करते हैं गुआना की, तो गुआना खुद में कंट्री है, तो कंट्री है तो कैपिटल करेंसी भी लर्न करना पड़ेगा। गुआना की कैपिटल की बात करें तो दैट इज जॉर्जटाउन, और करेंसी की बात करें तो डॉलर, और इसके अगर पीएम की बात करें तो मोसिस नागामुटू। तो याद रखिएगा यहां पर जितने भी फैक्ट्स हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सेकेंड थिंग, हम कैपिटल करेंसी की वीडियोस कर चुके हैं शॉर्ट ट्रिक की, जिन्होंने मिस करी है वो भी वो वीडियोस को देख सकते हैं कैसे हम कैपिटल और करेंसी दोनों को साथ में लर्न करेंगे। याद रखिए ना ही कैपिटल अलग लर्न करना ना ही करेंसी अलग लर्न करना, दोनों को पैरेलल लेके चलना है। गुआना जॉर्जटाउन डॉलर, तो एक साथ बोलेंगे जब भी बोलेंगे गुआना जॉर्जटाउन डॉलर। नेक्स्ट देखते हैं एक्सिम से रिलेटेड फैक्ट्स क्या है हमारे। जो एक्सिम स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, और ये फाउंडेड हुआ था हमारा 1982 में, और इसका जो हेडक्वार्टर दैट इज मुंबई। इसको याद करने के लिए एक्सिम में एम आ रहा है, तो एम से मुंबई एक्सिम, क्लियर होगा आई थिंक यहां तक। और सीईओ की बात करें श्री यदुवेंद्र माथुर। आई होप ये पूरा सेशन आपके यहां तक जो न्यूज रही है वो क्लियर होगी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज लॉर्ड मरवाइन डेविज हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयर ऑफ यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। फर्स्ट थिंग आपको याद क्या रखना है, इनका नेम लॉर्ड मरवाइन डेविज। सेकेंड थिंग आपको यहां पर याद रखना है यूके आईबीसी की फुल फॉर्म क्या है, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल। अब इस न्यूज को समझें कैसे, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल में जो चेयर मिली है वो जिनको अपॉइंट किया गया है एज अ चेयर, तो बात करें वो उनका नाम है लॉर्ड मरवाइन डेविज। आई होप यहां तक क्लियर होगा। इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखते हैं। फैक्ट्स यूके के पीएम की बात करें दैट इज थेरेसा मे, और कैपिटल की बात करें लंदन, और करेंसी की बात करें पाउंड स्टर्लिंग। फिर से कैपिटल करेंसी आ गई तो वही साथ में याद करेंगे, यूके लंदन एंड पाउंड स्टर्लिंग। आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट न्यूज की तरफ देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दी 2017 सप्लीमेंट्री रिपोर्ट ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, इंडिया इज लाइकली टू अचीव एस्टिमेटेड ग्रोथ रेट ऑफ 7.4% इन 2017 एंड 7.6% इन 2018। बेसिकली इस न्यूज का मतलब यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी एक प्रोजेक्ट किया है कि भारत की जो जीडीपी की दर रहेगी, भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी 2017 में रहेगी 7.4%, 7.4%, और 2018 में रहेगी 7.6%। मोस्ट इंपॉर्टेंट आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, ये एक नया एक तरीके से आपको डेटा दिख रहा होगा कि इंडिया इवन अभी भी एक तरीके से कि सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है। तो यहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एडीबी ने प्रोजेक्ट किया है क्या कि 2017 में भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 7.4% और 2018 में रहेगी 7.6%। इससे इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड फैक्ट्स को देखें जो कि है एडीबी की बात करते हैं तो एडीबी बन जाता है यहां पर इंपॉर्टेंट। और एडीबी से रिलेटेड फैक्ट बात करें, एडीबी स्टैंड फॉर एशियन डेवलपमेंट बैंक, और इसका हेडक्वार्टर है आपका मनीला फिलीपींस में, और इसके जो प्रेसिडेंट है ताके हिके नकाओ, और इसमें टोटल जो मेंबर्स कंट्रीज है वो है 67। आई होप ये पूरी न्यूज आपके क्लियर हो चुकी होगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एग्जाम में इसकी वेटेज बहुत रहती है कि जो भी ग्रोथ प्रोजेक्ट की जाती है, तो एडीबी ने प्रोजेक्ट किया है 2017 के लिए भी और 2018 के लिए। पर्टिकुलर आपको ये डेटा याद रखना है कि 2017 के लिए किया है 7.4% और 2018 के लिए किया है 7.6%। और मोस्ट इंपॉर्टेंट एडीबी रिलेटेड सारे फैक्ट्स। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक हैज रीअपॉइंटेड शिखा शर्मा, दोबारा से इन्हें अपॉइंट किया गया एज एमडी एंड सीईओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, आप लोग बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं और बैंक के लिए बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ गया कि एक्सिस बैंक ने दोबारा से एमडी एंड सीईओ किसे अपॉइंट किया है, शिखा शर्मा को। अब देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट, बात करें कितने साल के लिए इन्हें अपॉइंट किया गया, तो टेनर इज 3 ईयर्स। और बात करें टैगलाइन की, तो टैगलाइन है एक्सिस बैंक की बढ़ती का नाम जिंदगी। पहले जो इसकी टैगलाइन होती थी वो होती थी एवरीथिंग इज सेम एक्सेप्ट दी नेम। होने का मतलब ये था कि पहले इसका नाम होता था यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, बाद में एक्सिस बैंक नाम पड़ा तो टैगलाइन भी चेंज हो गई थी। तो टैगलाइन अब क्या है, बढ़ती का नाम जिंदगी, और हेडक्वार्टर इज मुंबई। आई होप ये न्यूज पूरी आपके क्लियर होगी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। इंडिया वॉन 2 गोल्ड मेडल मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दी सिमोन ट्रेस्टेन मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट इन यूक्रेन। यूक्रेन में अभी एक टूर्नामेंट हुआ है जिसका नाम है सिमोन ट्रेस्टेन मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट, वहां पर भारत ने 2 गोल्ड मेडल जीते। मोस्ट इंपॉर्टेंट इसका नाम याद रखना है टूर्नामेंट का। सेकंड थिंग, कितने मेडल जीते, दैट इज 2 गोल्ड मेडल। अभी जीते कितने, किस किस व्यक्ति ने है वो जरा देखते हैं रिलेटेड फैक्ट को। फर्स्ट थिंग आपको याद रखना है थॉमस ने जीता है, और सेकंड थिंग आपको याद रखना है लंदीन मावीया, लंदीन
माविया, थोड़ा ट्रिकी नेम है बट आप आई नो याद कर लेंगे, ललदीन माविया और थॉमस, इन दोनों ने दो गोल्ड मेडल जीते हैं। अब इससे रिलेटेड और देखते हैं कि यूक्रेन की बात हो रही है, ये टूर्नामेंट हुआ यूक्रेन में, तो यूक्रेन की कैपिटल बन जाती है कीव और करेंसी बन जाती है हर्वीनिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर दोबारा से साथ में लर्न करेंगे यूक्रेन कीव हर्वीनिया। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अनिल कुमार रतूरी, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अनिल कुमार रतूरी हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ दी उत्तराखंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यूं बनती है क्योंकि उत्तराखंड की जो भी पुलिस होती है उसके, इवन हर पुलिस का जो भी होता है, जो डायरेक्टर होता है, जो अपेक्स अथॉरिटी होता है, उसे बोलते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ऐसे उत्तराखंड पुलिस का जो बने डीजीपी, वो बने आपके अनिल कुमार रतूरी। अब इस रिलेटेड फैक्ट्स को देखें तो उत्तराखंड बन जाता हमारे लिए इंपॉर्टेंट। तो उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो देहरादून, अगर सीएम की बात करें तो त्रिवेंद्र सिंह रावत, और उत्तराखंड के गवर्नर की बात करें कृष्णकांत पॉल, शॉर्ट में आप कह सकते हैं ना के पॉल। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, अरुंधति रॉय's न्यू बुक द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैपीनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, हैज मेड इट टू द मैन बुकर प्राइज लिस्ट फॉर द ईयर, मतलब कि मैन बुकर प्राइज के लिए 2017 के लिए इसे शॉर्ट लिस्ट किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोवल का नेम याद रखना है, बुक का नाम याद रखना है, द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, और ये किसके द्वारा लिखी गई है, दैट इज अरुंधति रॉय के द्वारा। अब इस रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं तो मैन बुकर प्राइज जो एस्टेब्लिश हुआ था वो हुआ था 1969 में, और इसके जो विनर को अमाउंट मिलता है, जो भी प्राइज मिलता है वो मिलता है 50,000 यूरोज, और जो शॉर्ट लिस्ट होते हैं उनको मिलता है 2,500 यूरोज। और जो यहां पर एक और आपको दिख रहा होगा नोवेल सामने लिखा हुआ था गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, बात करें गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स की तो ये भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था, अरुंधति रॉय के द्वारा, और इन्हें 1987 में इसी नोवेल के लिए इसी प्राइज से नवाजा गया था, द प्राइज इज मैन बुकर प्राइज। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, इस नोवेल को, इस बुक को याद रखिएगा, द अटमोस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस इज ऑथर्ड बाय द अरुंधति रॉय। नेक्स्ट न्यूज, द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री लॉन्च एन ऑनलाइन पोर्टल शी बॉक्स सेक्सुअल हैरेसमेंट ई बॉक्स फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट्स वुमेन एम्प्लॉय टू फाइल अ कंप्लेंट रिलेटेड टू वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट। बेसिकली इसका मतलब यह है कि अगर महिलाएं जो कि वर्क प्लेस पर वर्क करती हैं, अगर उन्हें शारीरिक शोषण होता है तो उससे रिलेटेड, उसके लिए वे अगेंस्ट में वो क्या कर सकती हैं, कंप्लेंट कर सकती हैं, और उसके लिए अभी एक पोर्टल लॉन्च हुआ, इसका नाम है शी बॉक्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, और इस वर्ड को याद रखिएगा, शी बॉक्स को। और इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करते हैं हम, तो जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर हैं वो है मेनका गांधी, और जिस क्षेत्र से, जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो जीती थी उसका नाम है पीलीभीत। यहां पर दो चीज मैं मेंशन करूंगा, फर्स्ट थिंग इज कैबिनेट मिनिस्टर, सेकंड थिंग स्टेट मिनिस्टर। द वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर फॉर स्टेट है कृष्णा राज, और इन्होंने जहां से ये जीते थे वो थे शाहजहांपुर, यहां से जीती थी उनका नाम है शाहजहां, उस जगह का नाम है शाहजहांपुर यूपी। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, रिटायर्ड फुटबॉल प्लेयर फिलिप लाम हैज बीन अवार्डेड विद द फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड। फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे नवाजा गया है, दैट इज फिलिप लाम को, और किस मैगजीन के द्वारा, जर्मन स्पोर्ट्स मैगजीन के करके द्वारा। यहां पर याद रखने वाली चीज है फिलिप लाम का, और इन अवार्ड कौन सा मिला, फुटबॉलर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द जर्मन स्पोर्ट्स मैगजीन। अगर जर्मन की बात करें, जर्मनी वर्ड इंपॉर्टेंट हो गया, और जर्मनी से रिलेटेड फैक्ट देखते हैं, जर्मनी की कैपिटल रही बर्लिन, करेंसी रही यूरो, और बात करें पीएम की तो एंजेला मार्केल, वही दोबारा से आ गया कैपिटल और करेंसी, तो साथ में याद करेंगे जर्मनी बर्लिन यूरो। नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन सचिन सिवाच क्लिंच अ गोल्ड मेडल एट द कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन दी बहामास। अभी जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए बहामास में, वहां पर जो मेडल मिला है, इंडियन गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं सचिन सिवाच, जो उन्होंने किस खेल से रिलेटेड, बॉक्सिंग से रिलेटेड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन आ भी जाता है कि वो एक नाम दे देते हैं कि सचिन सिवाच किस गेम से रिलेटेड है, क्रिकेट से है, बैडमिंटन से, बॉक्सिंग से है, तो आप याद रखिएगा उस पर्टिकुलर गेम का भी, जिस गेम से वो बिलोंग करते थे। यहां पर गेम क्या है, बॉक्सिंग है। दोबारा से एक बार न्यूज देखते हैं, वर्ल्ड यूथ बॉक्सिंग चैंपियन सचिन सिवाच क्लिंच अ गोल्ड मेडल एट द यूथ कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स इन दी बहामास। जो बहामास में कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स हुए, से गोल्ड मेडल किसे मिला है, द आंसर वुड बी सचिन सिवाच। से रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं, फैक्ट कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स जो हुए हैं उसका जो एडिशन था वो था 6th एडिशन। इसके बहामास की बात करें तो इसके पीएम है हुबर्ट मिनिस, जो भी कंट्री आ जाती है उसके पीएम, कैपिटल करेंसी साथ के साथ आप पहले लर्न करते रहिएगा, ठीक है। और बहामास की कैपिटल बात करें नसाउ, करेंसी बात करें डॉलर, फिर से दोबारा से कंट्री का नाम आ गया तो फिर वही तरीका, कंट्री कैपिटल एंड करेंसी बहामास नसाउ डॉलर। नेक्स्ट न्यूज,
साइंस जर्नलिस्ट पल्लवा बगला हैज बीन अवार्डेड विद द प्रेस्टीजियस इंदिरा गांधी प्राइज फॉर दी साइंस. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर बनती है कि इंदिरा गांधी प्राइज किसे मिला है, तो नाम याद रखिए पल्लवा बागला को. किस चीज के लिए? साइंस के पॉपुलराइजेशन के लिए. अब इस रिलेटेड फैक्ट की बात करें, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पॉपुलराइजेशन ऑफ साइंस एस्टेब्लिश्ड बाय द इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी. मोस्ट इंपॉर्टेंट यहां पर इंसा की फुल फॉर्म बन जाती है, और इंसा की फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी. ओके, इस ईयर में बना था, तो इसकी याद रखिए इन 1986 में. और इसका पर्पस क्या है? टू इनकरेज एंड रिकॉग्नाइज पब्लिक अवेयरनेस ऑफ दी साइंस. साइंस के संदर्भ में, साइंस के रिगार्डिंग पब्लिक अवेयरनेस बनाए रखना. नेक्स्ट न्यूज देखते हैं. अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, अभी तक हमने देखा था एशियन डेवलपमेंट बैंक रिलेटेड, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की ग्रोथ प्रोजेक्ट करी थी 7.4% 2017 के लिए, 7.6% प्रोजेक्ट करी 2018 के लिए. फिर दोबारा से एक न्यूज प्रोजेक्शन से रिलेटेड है, और यहां पर जो प्रोजेक्शन किया गया है वो IMF के द्वारा किया गया, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के द्वारा. अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश कौन करता है? IMF करता है. अपडेट, इंडियाज ग्रोथ इज प्रोजेक्टेड टू एक्सेलरेट 7.7% इन 2018-19 द्वारा 2018-19 में जो भारत की ग्रोथ रेट रहेगी 7.7% और 7.2% रहेगी 2017-18 में. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज यहां से रिलेटेड आपको याद क्या रखना है, ये जो ग्रोथ प्रोजेक्ट करी है वो करी है IMF ने, और किसके थ्रू करी है? वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के थ्रू करी है. और कैसे ग्रोथ रेट है वो 2017-18 में तो रहेगी 7.2% और 2018-19 में रहेगी 7.7%. मोस्ट इंपॉर्टेंट इस डेटा को याद रखिए, 2017-18 का बोल रहा है वो 7.2% और 2018-19 का बोल रहा है 7.7%. और इससे रिलेटेड फैक्ट को देखें तो चीफ जो है इसके IMF के क्रिश्चियन लेगार्डे, इसका हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC USA में. टोटल मेंबर कंट्रीज है 189, जो लास्ट मेंबर कंट्री बनी है वो बनी है नौरू, और नौरू आ जाके फिर दोबारा से कंट्री आ गया, तो कैपिटल और करेंसी. और कैपिटल की बात करें तो यारेन है, और करेंसी की बात करें तो यहां पर डॉलर है. मोस्ट इंपॉर्टेंट नौरू, यारेन और डॉलर. नेक्स्ट न्यूज, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, फिर दोबारा से बैंक रिलेटेड न्यूज. स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैज लॉन्च्ड अ मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड दैट ऑफर्स कस्टमर टू कन्वीनियंस ऑफ लोडिंग अप टू 20 वाइडली यूज्ड करेंसीज ऑन वन कार्ड. बेसिकली इस लाइन का मतलब ये कहना चाह रहा है, आपको याद जो रखना है कि स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने अभी लॉन्च किया है मल्टी करेंसी कार्ड, MFC, मोस्ट इंपॉर्टेंट MFC की फुल फॉर्म, मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड इज लॉन्च बाय द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. ये उन लोगों के लिए जो ट्रेवलर्स हैं, जो कि एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते रहते हैं, तो बोला गया है कि ये 20 कितनी करेंसीज को अपलोड कर सकते हैं, इसमें 20 करेंसीज को अपलोड कर सकते हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट MFC की फुल फॉर्म याद रखिए, मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड, इट इज लॉन्च बाय द स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक. अब इससे रिलेटेड फैक्ट्स की बात करते हैं, तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है लंदन UK में, और इसकी टैगलाइन है योर राइट पार्टनर, और इसके CEO है बिल विंटर्स. आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज आपके क्लियर होगी. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो प्लीज रिमेंबर वन थिंग, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक हैज लॉन्च अ मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड. नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं. गूगल इंडियाज बॉर्न CEO सुंदर पिचाई, एक तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है ये भी हमारी, कि गूगल इंडिया बॉर्न CEO सुंदर पिचाई हैज बीन अपॉइंटेड एज अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द अल्फाबेट. अल्फाबेट के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में है उसमें गूगल इंडिया के जो CEO सुंदर पिचाई, इंडियन ओरिजिन CEO गूगल के हैं जो सुंदर पिचाई, उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में नामांकित किया गया, अपॉइंट किया गया है. द सर्च जायंट पेरेंट कंपनी, जो कि अल्फाबेट एक कंपनी है. अगर बात करें अल्फाबेट के CEO की, दैट इज लैरी पगे, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें कैलिफोर्निया USA, और CEO गूगल की बात करें तो वो है हमारे सुंदर पिचाई, और इसके हेडक्वार्टर की बात करें कैलिफोर्निया USA. मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो अल्फाबेट ने किसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपॉइंट किया है, तो याद रखिए गूगल के CEO सुंदर पिचाई को. और बात करते हैं अल्फाबेट की, तो ये बनी थी इन अक्टूबर 2015, अल्फाबेट बिकम द पेरेंट होल्डिंग कंपनी ऑफ द गूगल, गूगल की होल्डिंग कंपनी बन गई थी, तो गूगल क्या हो गया, एक तरीके से सब्सिडरी कंपनी. नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं. बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE ज्वाइंड हैंड्स विद द इजिप्टियन स्टॉक एक्सचेंज फॉर कॉपरेशन इन द एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस द बिजनेस एरिया. बेसिकली यहां पर न्यूज का जो मतलब यह है कि जो भी न्यूज है उन्हें साझा करने के लिए, इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने EGX के साथ, इजिप्टियन एक्सचेंज के साथ एग्रीमेंट साइन किया है. मोस्ट इंपॉर्टेंट BSE का याद रखिए और EGX का नाम याद रखिए, और इन्होंने इंफॉर्मेशन को साझा करने के लिए एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट साइन किया. इससे रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो फैक्ट देखते हैं. BSE स्टैंड फॉर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और EGX की बात करें इजिप्टियन एक्सचेंज, और इसके जो एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है वो है मोहम्मद उमरान. आई होप यहां तक आपकी न्यूज सारी क्लियर होंगी. नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं. द यूनियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द मोबाइल, फिर दोबारा से एक मोबाइल एप्लीकेशन की बात हो रही है, आरंभ फॉर द रोड मेंटेनेंस.
जो भी रोड है उनके मेंटेनेंस के लिए, रूरल रोड मेंटेनेंस के लिए एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की आरंभ का। इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। आरंभ इज द मोबाइल फोन बेस्ड एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस एंड द मेंटेनेंस ऑफ द रूरल रोड। ग्रामीण जो भी आपके जो रोड्स होंगे उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके मेंटेनेंस के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया, उसका नाम है आरंभ। बात करें, आरंभ इज लॉन्च बाय द नरेंद्र सिंह तोमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किस मिनिस्टर के द्वारा लॉन्च की गई? आंसर वुड बी नरेंद्र सिंह तोमर। ही इज अ यूनियन मिनिस्टर फॉर द पंचायती राज, रूरल डेवलपमेंट एंड ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इनके पास जो भी पोर्टफोलियोज है उनको याद रखेगा कि कौन कौन से पोर्टफोलियोज इनको दे रखे हैं और ये आरंभ जो एप्लीकेशन है वो किनके द्वारा लॉन्च की गई। तो आंसर वुड बी नरेंद्र सिंह तोमर। और देखते हैं डिटेल में कि जो ये हमारा जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, अभी जो ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई थी इसके साथ नरेंद्र सिंह तोमर थे और जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डिप्टी डायरेक्टर जनरल है वो भी इंडिया में आए हुए थे, तो इन दोनों ने साथ में मिलकर ये लॉन्च की थी। तो बात करें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की, तो इसके जो डिप्टी डायरेक्टर जनरल है वो है देवोरा ग्रीन फील्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट, देवोरा ग्रीन फील्ड। जब डिप्टी डायरेक्टर जनरल याद कर रहे हैं तो क्यों ना एक काम किया जाए, डायरेक्टर जनरल को भी याद कर लिया जाए। जो डायरेक्टर जनरल वो है गे राइडर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गाय राइडर इज अ डायरेक्टर जनरल एंड देवोरा ग्रीन फील्ड इज अ डिप्टी डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जिनेवा स्विट्जरलैंड में। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट न्यूज है, तो आप इसको याद रखिएगा। यहां से आपके दो चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर भी, उसके डायरेक्टर जनरल भी और उसके डिप्टी डायरेक्टर जनरल, और पर्टिकुलर ये न्यूज भी जो कि एप्लीकेशन से रिलेटेड एप्लीकेशन थी आरंभ। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी कन्फर्ड दिस ईयर्स महानायक सम्मान 2017। ममता बनर्जी के द्वारा, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी के द्वारा महानायक सम्मान 2017 प्रदान किया गया है। और किसको किया गया? द वेटरन एक्ट्रेस शकुंतला बरुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इनका नाम शकुंतला बरुआ को जो सम्मान दिया गया उसका नाम है महानायक सम्मान 2017। माय डियर फ्रेंड्स, आपको लर्न कैसे करना है किसी भी करंट अफेयर को, जो भी अभी एक तरीके से बात करें, ये अवार्ड से रिलेटेड न्यूज है। ये अवार्ड जो दिया गया है वो दिया गया शकुंतला बरुआ को और पर्टिकुलर अवार्ड का नाम है महानायक सम्मान 2017। अब एक चीज देखिए, ये दिया किसके द्वारा गया है? ममता बनर्जी के द्वारा। शी इज अ वेरी फेमस पर्सनालिटी, वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर है, तो उससे रिलेटेड फैक्ट भी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वेस्ट बंगाल की बात करें तो कैपिटल हो गई कोलकाता और सीएम हो गई ममता बनर्जी और गवर्नर की बात करें केशरीनाथ त्रिपाठी। आई होप ये पर्टिकुलर न्यूज भी क्लियर होगी और पर्टिकुलर जो भी इससे रिलेटेड फैक्ट्स हैं वो भी आपके क्लियर होंगे। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नीतीश कुमार बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार फॉर द सिक्स्थ टाइम एंड सुशील मोदी टुक ओथ एज द डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार। यहां पर आपके सामने दो नाम है, एक है नीतीश कुमार का और एक है सुशील मोदी का। जो नीतीश कुमार अपॉइंट हुए हैं वो हुए हैं एक तरीके से चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार और सुशील मोदी जो अपॉइंट हुए वो हैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिहार। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अभी तक आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन था, अब एक तरीके से बीजेपी के साथ नीतीश कुमार आ गए और उन्होंने फ्लोर टेस्ट भी पास कर लिया है। अब एक तरीके वो फाइनली नीतीश कुमार बन चुके हैं बिहार के सीएम। और वो किस नंबर के सीएम बने, तो आंसर याद रखिएगा, सिक्स नंबर के सीएम बने। अब बिहार बन गया इंपॉर्टेंट, तो बिहार से रिलेटेड फैक्ट की बात करें तो बिहार की कैपिटल हो गई पटना और बिहार के गवर्नर की बात करें केशरीनाथ त्रिपाठी। ही इज अ एक्टिंग गवर्नर, ही इज अ एडिशनल चार्ज टू वर्क एज द गवर्नर इन दी बिहार। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक, फिर दोबारा से एक्सिस बैंक। अभी हमने एक्सिस बैंक से रिलेटेड न्यूज पढ़ी थी कि एक्सिस बैंक की जो एमडीओ सीईओ बनी है दोबारा से रीअपॉइंट हुई है शिखा शर्मा। अब यहां पर एक्सिस बैंक से रिलेटेड एक और न्यूज आ गई, तो एक्सिस बैंक और ज्यादा इंपॉर्टेंट बन गया। इंडिया थर्ड लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक एक्सिस बैंक एक्वायर्ड अ स्नैपडील ओन्ड रिचार्ज ऐप फ्री चार्ज फॉर 60 मिलियन। बेसिकली इस लाइन का मतलब यह हुआ कि एक्सिस बैंक ने फ्री चार्ज को खरीद लिया है। कितने में खरीदा है? दैट इज 60 मिलियन। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसका अमाउंट भी याद रखने वाला है। फर्स्ट थिंग, खरीदा किसने? एक्सिस बैंक ने खरीदा किसको? फ्री चार्ज को। कितने में खरीदा है? 60 मिलियन को। थ्री फैक्ट याद रखिए पर्टिकुलर न्यूज के, खरीदने वाला कौन है? एक्सिस बैंक, खरीद जिसको परचेस किया बट दैट इज फ्री चार्ज और कितने अमाउंट में? दैट इज 60 मिलियन। अब इससे फैक्ट की बात करें तो एमडी एंड सीईओ इज शिखा शर्मा, इसका हेडक्वार्टर इज मुंबई, इसकी टैगलाइन बढ़ती का नाम जिंदगी, और इसके सीईओ फ्री चार्ज की बात करें जैसन कोठारी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, फ्री चार्ज के सीईओ भी आप याद रखना, जैसन कोठारी। नेक्स्ट न्यूज की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट न्यूज, स्टेट ओन्ड पंजाब नेशनल बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज रिलेटेड टू बैंक एंड बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस हैव साइंड एन एग्रीमेंट फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट थ्रू दी ब्रांचेस। बेसिकली जो पंजाब नेशनल बैंक है और बजाज अलायंस ने एग्रीमेंट साइन किया है कि जो भी इंश्योरेंस के प्रोडक्ट होंगे, प्रोडक्ट मीन्स जो भी इंश्योरेंस दिया जाएगा, अब वह ब्रांचेस के द्वारा भी दिया जाएगा। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। फर्स्ट थिंग, किस किसके बीच में एग्रीमेंट साइन हुआ? पंजाब नेशनल बैंक और बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के बीच में एग्रीमेंट साइन किया है। किस चीज के लिए? फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इंश्योरेंस प्रोडक्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, अब इससे रिलेटेड फैक्ट को देखते हैं। जो पंजाब नेशनल बैंक के एमडी एंड सीईओ दैट इज सुनील मेहता रिसेंट में चेंज हुए थे। ये फाउंडेड हुआ था 1894 में, उसके फाउंडर थे लाला लाजपत
राय, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, उसकी टैगलाइन आ नेम यू कैन बैंक अपॉन, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसके हेडक्वार्टर और टैगलाइन भी बनते हैं यहाँ पर, कि एग्जाम में 2 मार्क्स फ्री के रहते हैं, एक नंबर में टैगलाइन आती है और एक नंबर में हेडक्वार्टर आता है। आई होप यहाँ तक का सेशन आपके पूरा क्लियर होगा। इवन आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी है, इवन आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ आई हैव अ क्वेरी, तो आप कमेंट बॉक्स में भी टाइप कर सकते हैं और हमें मेल भी कर सकते हैं। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड दी कमेंट। बाय बाय, टेक केयर।